हाय गाइस, आज मैं आपको जो ट्यूबलेस टायर होता है उसका पंचर बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाइक है, इसके टायर के अंदर आप देख सकते हैं खिल लग गई है, तो यहाँ से हवा निकल रही है। तो पहला जो स्टेप होता है, जो छेद होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होता है। जो टी ट्रोल्स होता है, इसकी मदद से जो छेद होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए आप कुछ इस तरीके से। और दोस्तों, हवा नहीं निकलनी चाहिए, तो जो टी ट्रोल्स होता है वो फिर से लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। और दूसरा जो स्टेप होता है, वह जो पंचर स्ट्रिप होती है वह ले लेनी है। और दूसरा जो टी टूल्स होता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है आपको। इसे बीच में लाके छोड़ना है पंचर स्ट्रिप को। और उसके बाद जो रबर ग्लू होती है वो पंचर स्ट्रिप के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। और पहला जो टूल्स निकालने के बाद आपको जो पंचर स्ट्रिप होती है कुछ इस तरीके से डाल देनी है। और डालने के बाद आपको थोड़ा सा इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको फिर से इसे खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं पंचर बिल्कुल बन चुका है, और बाकी का जो रबर है वो काट लीजिए। तो आप देख सकते हैं पंचर बिल्कुल बन चुका है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका था, आप उसे घर पे भी बना सकते हैं।